लास्ट क्लास में हम बोर्ड का सिलेबस जो है लगभग खत्म कर लिया। देर आर ए फ्यू एक्स्ट्रा टॉपिक्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो जो हम लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर लिया, सो व्हाट आर द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट वी हैव लर्न्ड। एक एल हॉस्पिटल रूल समझ में आया आपको? तो लास्ट क्लास में हम एल हॉस्पिटल रूल देखा है ना, राइट? यस सर, यस सर। सो वो तो समझ में आया। अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया तो ऊपर नीचे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है यूज ऑफ लॉगरिदम्स। अगर समथिंग पावर समथिंग जैसा फंक्शन है तो हम लॉगरिदम्स यूज कर सकते हैं, राइट? दैट इज सेकेंड थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड। एंड What is the other thing that we have understood? अगर आपके पास एक लिमिट है जो एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स फॉर्म में है, ओके, एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स फॉर्म में है जो 1/∞ फॉर्म देगा, राइट? सो इसको हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं? ई पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, इसका डेरिवेशन भी सो इसका डेरिवेशन भी हम किया है ना लास्ट क्लास में। यस सर। ओके, हम आगे जाएंगे, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। देर आर ए फ्यू प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर वो चीजें समझ में आए तो हम हाई लेवल क्वेश्चंस भी बहुत आराम से कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो दिस इज द थर्ड वन विच यू हैव अंडरस्टूड। फर्स्ट इज एल हॉस्पिटल रूल, सेकेंड इज यूजिंग ऑफ लॉगरिदम्स, फोर्थ इज यूजिंग एक्सपेंशंस। यूजिंग एक्सपेंशंस देर आर ए फ्यू क्वेश्चंस विच कैन बी डन और सॉल्व यूजिंग एक्सपेंशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं टेलर्स एक्सपेंशन। क्या है टेलर्स एक्सपेंशन? टेलर इज अ मैथमेटिशियन, ही हैज गिवन ए फॉर्मूला टू एक्सपेंड एनी फंक्शन इनटू ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? एनी फंक्शन इनटू ए व्हाट? पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई भी फंक्शन को आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन जैसा लिख सकते हैं। उसके लिए टेलर हैज गिवन ए एक्सपेंशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो ऑब्वियसली इफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये तो फाइनाइट डिग्री का तो हो नहीं सकता है, सही है ना? सो कोई भी फंक्शन को आप एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल जैसा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए?
ये समझ में आया बेटा एक्सपेंशन? हेलो यस सर। इस फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ बेसिक फंक्शंस का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ट्राई टू एक्सपेंड साइन एक्स। ओके बेटा, फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स। सो फॉर एग्जांपल साइन एक्स का एक्सपेंड करना है, एफ ऑफ जीरो कितना है? सो इस फॉर्मूले यूज करके आपको एक्सपेंड करना है तो सिंपली यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना तो आता है ना आपको, राइट? सो एफ ऑफ जीरो कितना है, साइन जीरो कितना है? जीरो। सो साइन जीरो जीरो है, सो जीरो आ गया। इसके बाद एफ डैश ऑफ जीरो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स। एंड कॉस जीरो कितना है? वन। सो वन इनटू एक्स बाय वन फैक्टोरियल इज एक्स बाय वन फैक्टोरियल, सही है? सो कॉस एक्स को फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स। जीरो पुट किया तो जीरो हो गया ना ये, सिर्फ माइनस साइन एक्स को फिर डिफरेंशिएट किया तो माइनस कॉस एक्स आएगा। माइनस कॉस एक्स को एक्स के प्लेस में जीरो पुट किया तो माइनस वन आएगा, राइट? यस। सो एक्स बाय वन फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, राइट? एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज। एक बार साइन कॉस बनेगा डिफरेंशिएशन के बाद, एक बार कॉस साइन बनेगा विद एन ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, राइट? सो इसमें ऑल्टरनेट टर्म जीरो होते रहेगा, ओनली द ऑड powers will be left out, x by 1 factorial minus x cube by 2 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial plus minus so on up to infinity. So on your expansion. So this is the expansion of sin x. Clear hai ki nahi? Okay. ऐसा ही आप सारा फंक्शंस को, जो भी आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो भी फंक्शंस है सबका एक्सपेंशन कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो ऐसा करके मैं बाकी फंक्शंस के एक्सपेंशंस जो है मैं लिख लेता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट चेक वेदर दिस फॉर्मूला वर्क्स और नॉट। ओके, सो ये सारा एक्सपेंशंस आपको याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं। सो साइन एक्स के बाद कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल प्लस माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये भी शायद आप गेस कर पा रहे हैं, इस बार क्या होगा कॉस एक्स का एक्सपेंशन में? ऑड पावर्स ऑफ एक्स, their coefficients will become zero. Say again. Third, tan x. Tan x ka expansion hoga x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x to the power 5 plus 17 by 315 x power 7 plus so on up to infinity. तो tan x का एक्सपेंशन का जो नंबर्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्यों समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन जो है, एज यू गो ऑन एज यू गो फॉरवर्ड tan x का डिफरेंशिएशन का जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा हो जाएगा, राइट? sin x एंड cos x का डिफरेंशिएट करते रहा तो sin x cos x बनेगा, cos x sin x बनेगा, वही ऑल्टरनेट होते रहेगा। बट tan x के एक्सपेंशन में क्या होगा? tan x का डिफरेंशिएशन क्या है?
एनीबॉडी? अमन, tan x का एक्सपेंशन क्या है? आर्यन, tan x का एक्सपेंशन? अभिरूप, ऋतिक, किसी को पता है tan x का एक्सपेंशन? राइट, secant square x का differentiation, d by dx of secant square x. So first something का whole square का differentiation 2 times something into ये something का फिर differentiate करना है secant x into tan x, right? अगर अगली बार differentiate करना है तो क्या होगा? अगली बार differentiate करना है तो आपको फिर इसको differentiate करना है, इस बार आपको product rule लगेगा, uv का डिफरेंशिएशन इज यू डैश वी प्लस वी डैश यू, सही है? तो ये पूरा करते रहा तो यू आर गोइंग टू गेट दीज नंबर्स. ओके, क्वेश्चंस में मोस्टली यहां तक आपको याद रखना पड़ते हैं, ठीक है? ये एक्सपेंशन को कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे, क्लियर है? सो मोस्टली ये कभी अभी तक मुझे यूज नहीं हुआ 17/315, ठीक है? 7 साल में कभी मैं इसको कोई भी क्वेश्चन में इसको यूज करना नहीं पड़ा मुझे, बट यहां तक आपको यूज होगा, क्लियर है? सो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये तीनों का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद फोर्थ, ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन 1+x. e पावर x का एक्सपेंशन ऑब्जर्व करना भी बहुत ही इजी है, सही है क्या? नहीं, e पावर x का डिफरेंशिएशंस क्या आएगा? e पावर x आते रहेगा, तो जीरो पुट किया तो सारा नंबर्स 1 हो जाएगा ना, ऑल दीज नंबर्स विल बिकम 1, सो एक्सपेंशन 1+(x/1)(x^2)(+1). ओके, e पावर -x, e पावर -x का एक्सपेंशन में एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा. ओके, क्लियर है? नोट किया? यस सर, नोटेड सर. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई पावर एक्स हो गया, ई पावर एक्स के बाद क्या आएगा? ए पावर एक्स. मतलब फॉर एग्जांपल 2 पावर एक्स को एक्सपेंड करना है, हर बार ई पावर एक्स नहीं मिलेगा ना आपको, कभी कभी 2 पावर एक्स भी मिल सकते हैं, ई के अलावा कोई और नंबर है तो. सिंपली द एक्सपेंशन इज 1+(x log a)/1 (+x log a)^2 (+x log a)^3 (+so on up to infinity). e power x के प्लेस में x जहां आएगा, a power x के प्लेस में x log a आएगा, that's the only difference. अब आयुषी, can you see ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है? e पावर x के एक्सपेंशन में क्या हुआ? 1+(x/1)^(x^2)^(2)/so on up to infinity) है ना, एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a पावर x. डिफरेंस क्या है? ये जहां x है वहां x log a है, सो कैन यू सी व्हाई दिस, कुछ रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आप इसी से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए a पावर x को आप e पावर समथिंग लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 5 को e पावर समथिंग लिख सकते हैं क्या? नहीं आप? यस सर. कैसे?
सर ऊपर ln e लगा के. हाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2 power 5, दिस इज एन एक्सपोनेंट राइट. सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट, ये आप लोअर क्लासेस में किए हैं, एक बार मैं करके दिखाता हूँ. 2 power 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई पावर समथिंग, इसको एक्स मान लीजिए. दोनों तरफ आप ln अप्लाई कर लीजिए. सो ln 2 power 5 इज इक्वल टू ln e पावर एक्स. This implies 5 ln 2 is equal to x ln e. ln e का वैल्यू क्या है? One. ln e is 1. So x is simply what? 5 ln 2. सही है क्या नहीं? इसका मतलब आप 2 power 5 को e power क्या लिख सकते हैं? 5 ln. Okay. फिर शुरू हो गया बेटा. कौन है? ओके बेटा, सो 2 power 5 कैन बी रिटन एज ई पावर 5 ln 2. समझ आ रहे? So simply e power, so a power x can be written as e power what? X ln a. Sound clear? So a power x can be written as a power x can be written as e power x ln a. Sound clear? So a power x ka expansion mein just e power x ka expansion ka x jo hai wo x ln ए हो जाएगा. नेक्स्ट एक्सपेंशन इज लॉग ऑफ 1 plus x, ln 1 plus x का एक्सपेंशन. ln 1 plus x का एक्सपेंशन होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 plus x³/3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस माइनस सो ऑन अप टू इंफिनिटी. एंड ln 1 minus x का एक्सपेंशन है, x के प्लेस में माइनस एक्स पुट किया तो सारा टर्म्स माइनस हो जाएगा. सो माइनस ऑफ x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x power 4 by 4 plus so on up to infinity. Okay. And these two formulas, इसके लिए थोड़ा सा आप एक condition है. So इसमें सिर्फ x can be in between minus 1 and plus 1. So these two formulas work only if x is in between minus 1 and plus 1. Clear hai? So logarithmic functions ka expansion ho gaya, exponential ka ho gaya, trigonometric ka ho gaya. Aur bacha kya hai? What are the other functions? Algebraic functions, binomial expansion. Binomial expansion yaad hai? 1 plus x whole power n ka expansion kya hai? आदित्य आप बोल सकते हैं 1 plus whole power n का एक्सपेंशन क्या है? (1 + n + n)^(2) (n-1) / (2)x²) + (n)^(n-1) / (n-2)^(3) into x cube plus so on up to infinity. ठीक है, 1 plus x whole power n का ये expansion. Clear है? And next, 1 plus x whole power 1 by x. ये बहुत important है. ठीक है, ये बहुत specific expansion है. ठीक है, 100 बार में अगर मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन में आएगा ये. बट जिसमें ये वाला एक्सप्रेशन होता है उसमें अगर एक्सपेंशन पता नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप. सो 1 plus x whole power 1 by x का एक्सपेंशन है e(1 - x/2) + 11x²/24 + so on up to infinity. ओके,
सो 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय एक्स में आप ये वाला एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, एन के प्लेस में एक्स पुट करके कर सकते हैं। वन प्लस एक्स होल पावर वन बाय एक्स का एक्सपेंशन जो है ऊपर में जो एन है उसको वन बाय एक्स करके आप इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं या नहीं, यस और नो? द आंसर इज यस और नो। कोई बोल सकते हैं क्या लग रहा है आपको? सप्तर्षि, शयनदीप, संपूर्ण, कोई रेस्पॉन्स? हो सकता है, हो सकता है एन के प्लेस में अगर वन बाय एक्स पुट करके इसका एक्सपेंशन लिखने के बाद इस ये आना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं सर, सर वहाँ वन बाय एक्स पे वो तो फंक्शन में आता है ना। हाँ हाँ, तो आंसर इज नो, क्योंकि this is an algebraic function. ठीक है, there are two types of functions. एक है algebraic function, ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं। Algebraic function का मतलब है नीचे variable होगा ऊपर constant होगा। Exponential function का मतलब क्या है? नीचे constant होगा ऊपर variable होगा, right? So if you have a variable in the base as well as in the पावर, दिस इज नाइदर algebraic नॉर एक्सपोनेंशियल। इसका भी फॉर्मुलाज यूज नहीं कर सकते, इसका भी फॉर्मुलाज यूज नहीं कर सकते, कुछ और मेथड से करना है, समझ में आ रहे? दिस इज नाइदर algebraic फंक्शन नॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ में आ रहे कि नहीं? यस सर। सो ये एक्सपेंशंस क्लियर है? So these are the bare minimum expansions that you need to remember. अगर ये याद किया तो बहुत सारा questions expansions का भी कर सकते हैं आप। Questions कैसे आते हैं वो हम discuss करेंगे। Clear है ये? निकाल रहा हूँ। Note किया? Yes sir. Noted sir. Noted sir. बाकी लोग So that's the fourth extra point which you need to understand. Fifth extra point. So in limit x tends to 0, p of x by q of x. Upar bhi maan lijiye polynomial hai, niche bhi polynomial hai. मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ऊपर एक पॉलिनोमियल है नीचे एक पॉलिनोमियल है, तो याद रख लीजिए ओनली द लोवेस्ट पावर मैटर्स एंड इन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी p ऑफ x बाय q ऑफ x ओनली द हाईएस्ट power matters. This fifth point is by large the most important point of this chapter. JE mains and JE advanced ka lagbhag 80% questions ye wala point se ban jayega. Sab log boliye, in limit extends to zero what? Only the lowest power matters. In limit extends to infinity, only the highest power matters. Highest power matters. ठीक है? For example, मान लीजिए limit extends to 0, 2x minus 1 by 4x square plus 2x minus 3. Answer क्या है? Polynomial by polynomial है ना? ऊपर व्हाट इज द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स, सबसे लोएस्ट पावर ऑफ एक्स का टर्म क्या है?
माइनस वन है कॉन्स्टेंट टर्म है ना, राइट नीचे सबसे लोएस्ट पावर ऑफ एक्स टर्म क्या है? माइनस थ्री। सो बाकी सारा कैंसिल करके द आंसर इज सिंपली माइनस वन बाय माइनस थ्री, सो द आंसर इज वन बाय थ्री। समझ रहे? लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, 4x³ - 3x + 2 / 3x³ + 5 आंसर क्या है इसका? इन लिमिट्स वेयर x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ओनली द व्हाट, ओनली द हाईएस्ट पावर मैटर्स। तो ऊपर में x³ के आगे ये दोनों तो आप निकाल ही सकते हैं, 3x³ के आगे 5 को आप छोड़ सकते हैं, तो बचा है 4x³ / 3x³, x³ कैंसिल हो गया, आंसर इज 4/3। क्लियर है? इजी है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ n² + n - n, रूट ऑफ n² + n - n। So, क्या है as n tends to infinity, हमारा लॉजिक क्या है? ओनली द हाइएस्ट पावर मैटर्स। सो n square एंड n में कौन सा आप लीजिएगा, कौन सा चीज को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं? n, n को निग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए n को निग्लेक्ट कर लिया, तो n को निग्लेक्ट किया, रूट ऑफ n square क्या हुआ? What is root of n square? N. N minus n कितना है? Zero. Answer zero. Okay. गलत है. इसमें गलती. Mod n होगा root. हाँ. मतलब n tends to infinity का मतलब n तो positive है ना? N infinity पे जा रहे तो n तो positive है. So root of n square n हो जाएगा. ठीक है? बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट वर्क्स ओनली इफ यू हैव समथिंग। ध्यान दे दीजिए, न्यूमरेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। समझ रहे? क्लियर? सिर्फ न्यूमरेटर में आप यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? नहीं? यस सर। तो इसको अगर करना है क्या करना पड़ेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ n² + n - n इनटू रूट ऑफ n² + n + n बाय रूट ऑफ n² + n + n। समझ रहे? एंड एक एक्सेप्शन है, ये समथिंग बाय समथिंग फॉर्म में नहीं है, दैट इज वन रीजन। द अदर रीजन इज यू आर हैविंग इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, सही है? जब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आता है, आप ये वाला स्टेटमेंट्स जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे? बिकॉज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज ए इंडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर? सो आप देखिए क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ऊपर क्या आएगा, n² + n - n, राइट? ऊपर क्या आएगा, n² + n का मतलब रूट का होल स्क्वायर किया तो रूट निकल जाएगा। सो n² + n - n² / √n² + n + n, राइट? n² कैंसिल हो गया। अब ध्यान दे दीजिए, ऊपर भी एक n का कुछ पावर है, एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होने का भी जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान दे दीजिए, पॉलिनोमियल है तो अच्छा है, बट स्क्वायर रूट्स आर ऑल्सो अलाउड, रेडिकल्स आर ऑल्सो अलाउड। ओके, रेडिकल पावर्स आर ऑल्सो अलाउड। ध्यान दे दीजिए, अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बाय रूट ऑफ n² + n + n, सही है क्या नहीं? सो देखिए ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, n, एक सिंगल पावर है। नीचे अब n² एंड n में n को निग्लेक्ट कर सकते हैं,
रूट ऑफ एन स्क्वायर क्या है, एन प्लस एन, तो नीचे कितना है एन का कोएफिशिएंट, नीचे एन का कोएफिशिएंट कितना है 2n, सो n बाय 2n, आंसर इज 1 बाय 2, क्लियर? ओके और नॉट? यस सर, सो अब मैं एक्सपेंशंस में एक बात भूल गया, एक बार ये वाला पेज ले लीजिए, हम जैसा बाइनोमियल थ्योरम में देखे हैं, जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला भी वैलिड होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन विल दिस फॉर्मूला बी वैलिड, किसी को याद है, पढ़े हैं कुछ लोग, कोई, व्हेन विल दिस फॉर्मूला बी वैलिड, मॉड एक्स इज लेस देन वन और x is in between minus 1 and plus 1, ये भी लिख लीजिए, binomial expansion is valid, general binomial expansion is valid only if modulus of x is less than 1, okay? कुछ याद आ रहे हैं? नोट किया? यस सर. So limit extends to zero, only the lowest power matters. Limit extends to infinity, only the highest power matters. बहुत important statements है ये. जब मैं problems करना शुरू करता हूँ तब बहुत सारा higher level questions में ये वाला points जो है वो use होगा. Clear? And लगभग हो गया, एक ही extra point है, last point इस chapter का. ये निकाल रहा हूँ. Yes, sir. Sixth point is called sandwich theorem. Sandwich theorem. So what this theorem says is, मान लीजिए दो functions हैं. एक है y is equal to f of x. दूसरा है y is equal to g of x. ठीक है, एक फंक्शन y is equal to f of x, एक फंक्शन y is equal to g of x, और तीसरा फंक्शन है y is equal to h of x. ठीक है, एक फंक्शन है y is equal to h of x. And if f of x is always greater than or equal to h of x, is always greater than or equal to g of x. मान लीजिए एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मान लीजिए एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के हर बार बीच में है, ओके? समझ आ रहे? एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, f of x is equal to limit extends to a, g of x is equal to l. Then limit extends h of x will also be equal to l. इस theorem को हम sandwich theorem बोलते हैं. अगर statement समझ में आया तो बहुत ही obvious theorem है. देखिए, what is the theorem? मान लीजिए बोल रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में हर बार एच ऑफ एक्स है, एंड एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ ऑफ एक्स भी एक ही लिमिट पे पहुंच रहा है, जी ऑफ एक्स भी एक ही लिमिट पे पहुंच रहे हैं, मान लीजिए ये वाला लिमिट एल है, सो जो बीच में होगा वो भी यही पहुंचेगा ना, या कहीं और पहुंच सकते हैं? समझ आ रहे? अगर ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन दोनों एक ही जगह पहुंच रहा है तो जो बीच वाला सैंडविच, द सैंडविच्ड फंक्शन विल आल्सो रीच द सेम पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए. समझ आ रहे कि नहीं? यस सर. ये तो बहुत ही ऑब्वियस थ्योरम है ना, अगर ऊपर वाला नीचे वाला
दोनों एक ही जगह पहुंच रहे तो बीच वाला भी वही जगह पहुंचना पड़ेगा। ओके और नॉट, सो देयर आर ए फ्यू क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स विच विल बी सॉल्व्ड बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, मोस्टली सैंडविच थ्योरम इज यूज्ड इन इंटीजर पार्ट क्वेश्चंस, इंटीजर पार्ट समेशन क्वेश्चंस। ठीक है, सैंडविच थ्योरम यूजुअली इंटीजर पार्ट समेशन क्वेश्चंस में यूज होता है। तो एक एग्जांपल करके हम आगे चले जाएंगे। सैंडविच थ्योरम में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस ही होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चंस में आपको बार बार क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये नोट किया? नोटेड सर। तो एक सैंपल क्वेश्चन करता हूं इसमें, सैंडविच थ्योरम में। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 2x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 3x प्लस सो ऑन अप टू इंटीजर पार्ट ऑफ nx by n square, ये question है। देखिए solution, क्योंकि यहाँ basic difficulty of integer part is integer part को आप simplify नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए x plus 2x को आप 3x लिख सकते हैं, but integer part of x plus integer part of 2x को आप integer part of 3x नहीं लिख सकते हैं। So, मैं क्या करता हूं, देखिए मैं बोलता हूं इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन एक्स एंड एक्स माइनस वन के बीच में ही रहेगा ना। इंटीजर पार्ट जो है वो एक्स से बड़ा तो नहीं हो सकता है, एंड इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स और एक्स के बीच में डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसका एक नाम है, क्या है x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x को एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सही है। एंड आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से बड़ा तो नहीं जा सकते। So x minus integer part of x is always less than 1, right? So integer part of x is always greater than x minus 1. देखिए integer part of x को इस तरफ भेज दीजिए, integer part of x is always greater than x minus 1, सही है? So integer part of x is always in between x and x minus 1. इसी को हम sandwiching बोलते हैं। This step is called sandwiching step. क्या है, हमारा function को दो functions के बीच में sandwich किया हम। Similarly, integer part of 2x क्या होगा, is always in between 2x and 2x minus 1, सही है। Integer part of 3x क्या होगा, is always in between 3x and 3x minus 1, so on. Integer part of nx is always in between nx and nx minus 1. समझ में आ रहे? So इसको आप f of x मान लीजिए। Let us consider this as f of x. Now I'll add all these inequalities. So बीच में integer part of x plus integer part of 2x plus integer part of 3x, बीच वाला जो है वो f of x हो जाएगा, right? सबको ऐड किया तो f ऑफ x इज इन बिटवीन, इस तरफ क्या आएगा, x कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, इसका फॉर्मूला आपको याद है 10th क्लास में,
वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन अप टू एन का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू फॉर्मूला है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. सो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. ओके, इस तरफ क्या आ रहे हैं? देखिए x इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू तो है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस एन हो जाएगा एन टाइम्स माइनस वन. क्लियर? सो एफ ऑफ एक्स दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच हो गया या नहीं? क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, तीनों में लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर लेता हूं. सो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन बाय टू माइनस एन इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. बट आपको बाय एन स्क्वायर चाहिए ना फंक्शन का वैल्यू, यहाँ बाय एन स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ भी नीचे एन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी नीचे एन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, क्योंकि आंसर आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय एन स्क्वायर चाहिए. सो दिस इंप्लाइज, अब ध्यान दे दीजिए, अब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ क्या आ रहा है देखिए, एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस टू एन बाय टू एन स्क्वायर. एलसीएम लेना आता है सबको, इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स by n square is less than or equal to limit n tends to infinity x n square plus x n by 2 n square. Okay, ये वाला step okay है क्या? नहीं, yes sir, no, yes sir. So ab ध्यान दे दीजिए, नाउ इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर एक पॉलिनोमियल है एन में, नीचे एक पॉलिनोमियल है एन में. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, एज एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ओनली द व्हाट, लार्जेस्ट पावर मैटर्स, ओनली द हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर मैटर्स. किसका हाईएस्ट पावर है, एन का है या एक्स का है? एन है ना, n tends to infinity है ना, वेरिएबल n है इस बार. सो n का ओनली हाईएस्ट पावर मैटर्स. ओके, सो न्यूमरेटर में कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है, कौन सा टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं मैं? ये दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, समझ में रहे? यहां कौन सा टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, एंड यहां क्या बचेगा, एक्स एन स्क्वायर बाई टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कट गया. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, एक्स बाई टू इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाई एन स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? इसका मतलब ये लिमिट जो है एक्स बाई टू और एक्स बाई टू के बीच में होना चाहिए. सो क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? ये वाला लिमिट का अपर लिमिट भी x by 2 है, लोअर लिमिट भी x by 2 है, इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? x by 2. So this लिमिट n tends to infinity f of x by n square is equal to x by 2. This is a classic question on sandwich theorem. सैंडविच थ्योरम में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है, लगभग एक ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको. तो आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू हैव टू सैंडविच द फंक्शन बिटवीन टू फंक्शंस. क्लियर है, समझ में आया? नहीं,
यस सर। ओके ये निकाल रहा हूं, नोट किया सब लोग? नोटेड सर। सब लोग? यस सर नोटेड। नेक्स्ट देखिए, वी आर गोइंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है जो आप माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट इज क्वेश्चंस। सर प्लीज एक बार पेज टर्न ओवर करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूंगा। कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में? निकालो। नोट किया? यस सर। नोटेड सर। ओके सो नेक्स्ट इज questions based on the inequality sin x is always less than or equal to x is always less than or equal to tan x. ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक ही ग्राफ में, इन ए सिंगल ग्राफ, इफ यू ट्राई टू प्लॉट ऑल द थ्री फंक्शंस, y is equal to sin x, एक y is equal to x, एक y is equal to tan x. ठीक है, आप generally y is equal to अगर sin x का graph draw करते हैं, आप scale के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है. ठीक है, आप एक wave draw किया तो हो जाएगा. Now I want you to draw all these three graphs on the same graph sheet. So y is equal to x सबको पता है, सबसे easy है y is equal to x. कैसे होगा? ऐसे होता है ना, y is equal to x 45 degrees. Right? This is the graph of y is equal to x. So if you draw the graph of y is equal to sin x, you'll observe that the graph will look something like this. Okay, the graph will look something like this. Normally, aap y equal to sin x a graph jo hai, bahut aisa aisa draw karte hai na? Right? You tend to draw the graph like this, y is equal to sin x. But actually, if you look at the graph of y is equal to sin x, it looks like this with reference to y is equal to x. Okay? And y is equal to tan x graph jo hai,
y is equal to tan x का ग्राफ जो है ऐसा ऐसा होगा. The graph of y is equal to tan x looks like this. है ना, pi by 2 पे infinity तक चला जाएगा ना, माइनस पाई बाई टू पे माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा, राइट? समझ रहे? सो बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू, सो बिटवीन जीरो एंड पाई बाई टू साइन एक्स विल ऑलवेज बी बिलो वाई इज इक्वल टू एक्स, टैन एक्स विल ऑलवेज बी अबव वाई इज इक्वल टू एक्स. क्लियर है क्या नहीं है? As x tends to zero, as x tends to zero, तीनों का values लगभग same हो रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, तीनों का graph लगभग मिल जा रहा है, right? Yes sir. Limit x tends to zero, sin x by x is equal to limit x tends to zero, tan x by x is equal to कितना? One है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? Because as x is tending to zero, तीनों का value लगभग बराबर हो रहे हैं. क्लियर? समझ आ रहे? यस सर. बट यहां जो याद रखना है, बट साइन एक्स बाय एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम द लोअर साइड एंड टैन एक्स बाय एक्स टेंड्स टू वन फ्रॉम द हायर साइड. ये डिस्टिंक्शन आप समझना चाहिए. अब ध्यान दीजिए, साइन एक्स इज ऑल लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, इसका मतलब साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? वन. साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू हर बार वन से छोटा होगा एज एक्स टेंड दिस टेंड्स टू वन. इसका मतलब फ्रॉम द लोअर साइड, समझ में आ रहे? इसका मतलब 9.999 साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू वन पहुंचेगा, समझ में आ रहे? टैन एक्स बाय एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन है ना, इसका मतलब यू आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो. टैन एक्स का वैल्यू मान लीजिए 1.1 इस रास्ते में वन तक पहुंचेगा. सो डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डिफरेंस समझ में आ रहा है इस दोनों का? यस सर नो? यस सर. संपूर्ण समझ में आ रहे? यस. देवांशु, हितेक, समझ में आ रहे? अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते? देखिए, इसका आंसर मुझे बोलना है. लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर क्या है? Limit extends to zero, integer part of sin x by x. What is the answer? Anybody? One hoga answer, right? Answer kya hai iska? Limit extends to zero, integer part of sin x by x. One sahi hai kya nahi? Is the answer equal to one or not? Sir, zero na chahiye na, lower side se ja rahe hain. Answer one nahi hai. Iska answer zero hai. So one answer is wrong. Kyun samajh mein aa raha hai? Kyunki as x tends to zero, sin x by x ka value tending to one hai. Iska matlab value one to nahi hai. One ke samne ja rahe hain. बट साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू अप्रोचेस वन फ्रॉम लोअर साइड, इसका मतलब इसका वैल्यू हर बार वन से छोटा होगा. सो उसके इंटीजर पार्ट क्या होगा?
वन से जितना भी छोटा है उसका इंटीजर पार्ट जीरो हो जाएगा, राइट? लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इंटीजर पार्ट ऑफ टेन एक्स बाई एक्स क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका सर वन होगा क्योंकि हायर साइड से, हाँ, इसका आंसर वन होना चाहिए, क्लियर है? Is it clear? Yes, sir. So, ऐसा integer part के अंदर sin x and x का comparison question आया तो you should do using this concept. Clear है? Next, आगे जाएंगे? आगे जा रहा हूँ? So questions based on difference between tending to one and equal to one. ध्यान दे दीजिए. For example, limit extends to zero, one plus x whole power 1 by x, iska answer kya hai? What is the answer of this? E. Iska answer E hai, right? Limit extends to 0, 1 plus integer part of x whole power 1 by x, iska answer kya? इसका एनालिसिस कैसे करिएगा? और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स होल पावर वन बाय इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इसका आंसर कैसे करेंगे? अब ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन व्हाट इनडिटरमिनेसी इज दिस टेंडिंग टू, एक्स जीरो पुट किया तो कौन सी इनडिटरमिनेसी है ये? What is the answer for this? Ayushi, कुछ analysis बोल सकते हैं? Can you tell? Answer बोलने का जरूरत नहीं है, बीच में कुछ ideas for this? वो indeterminacy 1 to the power infinity होगा. हाँ, indeterminacy 1 to the power infinity, वो तो okay है. इसके बाद इसमें और क्या मतलब दिक्कत आ सकते हैं? इसमें शायद right limit, left limit दोनों निकालना पड़ सकता है ना? Right? यस सर, क्योंकि इंटीजर पार्ट जो है जीरो का राइट और लेफ्ट में डिफरेंट है, राइट सर? हाँ सर, यहाँ वो वाला फंक्शन लगा सक मतलब लिमिट लगा सकते हो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स. हाँ, ये वही देख रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ. देखिए, ध्यान दे दीजिए, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यहाँ जो वन पावर इन्फिनिटी है, यहाँ जो वन पावर इन्फिनिटी आने वाला है, वो दोनों थोड़ा सा अलग है. There is a slight difference between one power infinity of this and one power infinity of this. तो मैं बोलता हूँ, देखिए क्या है. तो इसमें आप right limit, left limit दोनों तो करना पड़ेगा ना, पहला वो काम तो कर लेंगे. तो एक बार limit extends to zero plus one plus integer part of x whole power one by x, limit extends to zero minus one plus integer part of x whole power one by x. Okay. अब देखिए यहाँ एनालिसिस क्या है, एज एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा? व्हाट इज इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स? वन.
as x tends to 0 plus 1 plus nahi hai 0 plus 0 0 aap dhyan de dijiye mera question has x tends to 0 plus integer part of x ka value 0 hai kya ya tending to 0 hai value 0 hai value 0 hai exactly 0 hai ya dikh raha hai aapko Yes, sir. As x tends to 0 plus, integer part of x is not tending to 0. Integer part of x is equal to 0. Right? So, ye 1 plus integer part of x hai. Wo approximately 1 nahi hai. Wo exactly 1 hai. Clear? And upar 1 by x jo hai, wo approximately infinity hai. Right? Ye infinity hai, but approximately infinity hai. So, नीचे वाला एग्जैक्टली वन हो गया ना सो एग्जैक्टली वन का कोई भी पावर करो आंसर क्या आएगा वन तो इसका आंसर वन हो जाएगा यहाँ ई क्यों आया क्योंकि नीचे वन भी एग्जैक्ट नहीं है ऊपर इन्फिनिटी भी एग्जैक्ट नहीं है वो दोनों लड़के ई पे रुक गया बट हियर यू हैव एग्जैक्टली वन सो देयर इज नो फाइट एग्जैक्ट वैल्यूज विन ऑलवेज ओके Exact values always win. अगर एक tending value है और एक exact value है दोनों लड़ रहे हैं For example, zero power zero है नीचे वाला approximately zero, ऊपर वाला exact zero है तो answer क्या हो जाएगा One. ऊपर वाला approximately zero है नीचे वाला exact zero हो गया Answer zero हो जाएगा Clear? अगर दोनों approximately zero है तब दोनों के बीच में लड़ाई होगा क्लियर है क्या नहीं ये यस सर अब यहां देखिए एज x टेंड्स टू 0 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना होगा माइनस 1 होगा राइट माइनस 1 तो 1 माइनस 1 कितना है 0 तो नीचे 0 एग्जैक्ट है 0 पावर एनीथिंग इज 0 0 राइट लिमिट 1 होगा लेफ्ट लिमिट 0 है सो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा क्लियर ओके नेक्स्ट इसमें भी लगभग वही मॉडल है Limit extends to 0 plus, limit extends to 0 minus. So 1 plus x whole power 1 by, kya ho jayega integer part of x? Integer part of x is 0, right? 0. Ye exact 0 hai ki approximately 0 hai? Exact 0. Exact 0 hai na? सो ये 1 पावर इंफिनिटी वाला मॉडल नहीं होगा ये 1 पावर अनडिफाइंड मॉडल है राइट एप्रोक्सीमेटली 1 पावर अनडिफाइंड सो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है क्योंकि एग्जैक्टली 1 बाय 0 है तो किसी को पता नहीं है क्या है वो इज इट ओके इसका मतलब 0 का राइट नेबरहुड में प्रॉब्लम्स होगा ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा क्लियर है समझ में आया एंड यस इस तरह 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाय 0 माइनस 1 है ना 0 माइनस में इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 होगा ना राइट यस सर तो सिंपली 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1 इसका मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स राइट सो एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 बाय 1 1 हो गया क्लियर है यस सर सो लेफ्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट राइट लिमिट 1 है सो इफेक्टिवली द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्लियर है ओके और नॉट ओके सर बट कभी-कभी क्या होता है इसका आंसर 1 भी देते हैं कभी-कभी क्योंकि दिस फंक्शन is not defined in the right neighborhood of 0 right neighborhood of 0 mein
ये तो जीरो आ रहा है ना, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो जीरो एंड वन के बीच में ग्राफ आता ही नहीं है, सही क्या? नहीं, जीरो और वन के बीच में यहाँ हर जगह इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो है, राइट? सो देयर इज नो ग्राफ इन बिटवीन दिस सर। यस और नो? यस। जीरो एंड वन के बीच में हर जगह इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स तो जीरो है, सो जीरो और वन के बीच में ग्राफ होता ही नहीं है। सो ग्राफ इज ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, एंड लेफ्ट साइड में वो वन के तरफ जा रहे हैं, राइट? लेफ्ट साइड में वो वन के तरफ जा रहे हैं। सो अगर फंक्शन पूरा डिफाइंड ही नहीं है, कभी कभी ऐसा बोलता है कि लोग अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो उस तरफ आप, अगर लिमिट ऑब्वियसली डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा फंक्शन ही नहीं है तो। सो लेफ्ट में जो जिस तरफ डिफाइंड है उस तरफ वाला आंसर ही आंसर माना जाएगा। ओके और नॉट? ओके सर। सो ये क्वेश्चन समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन टेंडिंग टू वन एंड इक्वल टू वन। आगे जाएंगे, निकाल रहा हूं ये। नेक्स्ट तीसरा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टू द पावर n इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए पावर में जो पावर है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, नीचे एक कांस्टेंट बेस है, तो क्या होगा? देखिए एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये नंबर जो है अगर ए ग्रेटर देन वन है तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई भी वन से बड़ा नंबर को आप पावर इन्फिनिटी किया तो, कोई भी वन से बड़ा नंबर को आप इन्फिनिट पावर तक लेके गया तो ऑब्वियसली आंसर भी इन्फिनिटी हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल टू पावर इन्फिनिटी कितना है? इन्फिनिटी। थ्री पावर इन्फिनिटी, समझे? 1.1 पावर इन्फिनिटी, ऑल आर इन्फिनिटीज। अगर ए एग्जैक्टली वन है तो, अगर ए एग्जैक्टली वन है, वन, देखिए ये एन जो है टेंडिंग टू वन है ना, अगर ए एग्जैक्टली वन है तो ए विंस एंड यू गेट वन एज द आंसर, क्लियर है? इजी। ए अगर लेस देन वन है तो, वन से छोटा है तो, इफ ए इज इन बिटवीन, और मैं आगे जाता हूं माइनस वन एंड प्लस वन के बीच में है तो, मान लीजिए माइनस वन एंड प्लस वन के बीच का मतलब है वो फ्रैक्शन है, मान लीजिए वन बाई टू है, वन बाई टू को पावर करते रहा तो वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? वन बाई टू का पावर टू किया तो वन बाई फोर होगा, वन बाई टू का पावर थ्री किया तो और छोटा होगा नंबर, और छोटा होते रहेगा ना। सो पावर इन्फिनिटी गया तो 1 by 2 power infinity 0 के पास जाएगा ना limit? Yes sir. So if a is in between minus 1 and plus 1 the value of limit is 0. यह n जो है belongs to natural numbers, यह n जो है continuously infinity के पास नहीं जा रहे हैं, discreetly मतलब 1, 2, 3, 4 उस रास्ते में infinity तक जा रहे हैं, clear है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? एन नेचुरल नंबर्स क्यों लिखा हूं? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई रोट एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स? ऋतिक,
आपको समझ में आया n belongs to natural numbers क्यों लिखा हूं मैंने? संपूर्ण कुछ बोल सकते हैं? n belongs to natural numbers क्यों लिखा हूं मैंने? क्या साग्निक रेस्पॉन्ड करिए, यस और नो भी एटलीस्ट बोलिए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं? सर नहीं समझ में आ, और एक बार बता दीजिए ना। यहाँ एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स क्यों लिखा हूँ? देखिए यहाँ तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट? पॉजिटिव बेसिस, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, मैं यहां बेस को नेगेटिव पे लेके गया मैंने। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव बेसिस, बट यहां बेस को नेगेटिव किया ना मैंने, इसलिए एन कोई भी रियल नंबर के लिए काम नहीं करेगा फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री होल पावर फॉर एग्जाम्पल रूट टू है, द वैल्यू ऑफ दिस विल नॉट बी रियल, इसका वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगा। समझ में आ रहे? नेगेटिव नंबर्स का कोई भी अपने हिसाब से पावर लिखा तो रियल पावर, वो नंबर्स रियल नंबर्स होने का जरूरत नहीं है। तो जब आप नेगेटिव पावर्स में गया, बहुत हाई पावर पे नेगेटिव नंबर्स को भी आप बहुत बड़ा पावर से एक्सपोनेंट कर सकते हैं, बट दैट पावर हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। माइनस थ्री का पावर 50, 60, 500, 5000 सारा पावर्स कर सकते हैं, बट 5000.1 करना बैठा तो दिक्कत हो सकते हैं। दिस मे नॉट बी रियल, इट मे बिकम इमेजिनरी एट टाइम्स। क्लियर है? माइनस थ्री पावर 0.5 किया तो क्या आएगा? स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री हो जाएगा ना। वट इज स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस थ्री, रियल और इमेजिनरी? इमेजिनरी। सो नेगेटिव नंबर्स का आप जो मर्जी है वो पावर नहीं कर सकते हैं। तो अगर नेगेटिव बेसिस का भी अगर एक्सपोनेंट डिफाइन होना है तो n हैज टू बी अ नाइस नंबर, देन ओनली द वैल्यूज विल बी डिफाइंड। ओके, सो माइनस वन और प्लस वन के बीच में कोई भी नंबर हो उसको पावर इन्फिनिटी किया तो आपको जीरो आ जाएगा। क्लियर है? एंड अगर a लेस देन माइनस वन है, माइनस वन से और छोटा हो गया, फॉर एग्जाम्पल माइनस टू है, माइनस टू का आप पावर्स करते रहा तो क्या होगा? माइनस टू का पावर वन कितना है? माइनस टू का पावर टू कितना है? फोर। माइनस टू का पावर थ्री माइनस एट। माइनस टू का पावर फोर 16। वैल्यू वाइज नंबर तो बढ़ेगा बट एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, प्लस माइनस आते रहेगा। तो ऑब्वियसली एक जगह पहुंचेगा नहीं ना। तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक बार प्लस इन्फिनिटी पे भागेगा, एक बार माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के ऊपर वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके और नॉट? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो जो हायर लेवल कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ,
थ्योरी वाइज सारा समझ में आया? यस सर। देखिये देखा तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, आप काउंट कर सकते हैं, देर आर 6 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट यू हैव लर्न्ड एंड 3 क्वेश्चन बेस्ड टाइप्स दैट यू हैव, एक्स्ट्रा है आपको, इसको यूज करके बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जिसके बेसिस में टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आएगा थर्सडे टेस्ट में, ओके? तो आज के लिए जस्ट आई विल गिव यू ए फ्यू क्वेश्चंस, आप ट्राई टू सॉल्व दिस। ये क्या होगा? माइनस टू एक्स बाय टेन एक्स। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं। आप सब लोग अरिहंत का बुक ले लिया? अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं। अरिहंत का बुक्स लेने के लिए बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में, ले लिया सर। ले लिया सर। हाँ, सो उसमें से क्वेश्चंस करना शुरू करना है आप लोगों को। डिफरेंशियल कैलकुलस का लिए है, पूरा 6 वॉल्यूम्स आते हैं उस बुक का। सो फर्स्ट का आंसर कोई बोल सकते हैं? एज एक्सटेंड्स टू जीरो, x by tan x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? As x tends to 0, as x tends to 0, x by tan x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? Anybody? जल्दी बोलिए आंसर। है ना, tan x by x 1 से बड़ा है तो x by tan x क्या होगा? 1 से छोटा होगा। So, ये माइनस अभी के लिए छोड़ दीजिए, 2 इंटू एक्स बाई टेन एक्स। सो 2 इंटू एक्स बाई टेन एक्स जो है ये तो 1 से छोटा है, तो एग्जैक्टली 1 है तो 2 है। सो ये जो है 2 से छोटा होगा ना, तो मतलब 1.9999 जैसा होगा, राइट? यस सर। तो इसके आगे एक माइनस साइन है, सो दिस नंबर विल बी समथिंग लाइक -1.9999। इसके इंटीजर पार्ट क्या होगा? What is the answer? Minus two. Right limit, left limit फर्क पड़ेगा या right limit, left limit निकालना है आपको? Should we find right limit, left limit or is it okay to do directly? कुछ तो बोलिए जो आपको लग रहे हैं गलत हुआ तो भी ओके है, दोनों करना सर है? ये सर ये ओके है। ओके है, क्यों ओके है? ओके ओके है तो क्यों? देखिए यही सोचना है आपको, दिस इज वेयर योर स्किल्स स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो यहाँ देखिए एक्स जो है, जैसे मैं बोला था टेन एक्स बाय एक्स इज टेंडिंग टू 1 फ्रॉम द हायर साइड, है ना? टेन एक्स बाय एक्स 1 के पास जाएगा फ्रॉम द हायर साइड, इसका मतलब इस तरफ से भी हायर जाएगा, इस तरफ से भी हायर जाएगा ना, इसका मतलब। सो 0 का राइट साइड में जाओ या लेफ्ट साइड में जाओ, एक्स बाय टेन एक्स का वैल्यू हर बार 1 से छोटा ही होगा। एक्स
जीरो माइनस में है तो ऊपर भी नेगेटिव वैल्यू नीचे भी नेगेटिव वैल्यू, माइनस माइनस कट जाएगा, क्लियर? सो आपको जब एक्स बाय टेन एक्स होगा यू डोंट नीड टू गो फॉर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट, डायरेक्टली कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ही करके दिखाए तो तब अच्छा है। इसमें दिक्कत क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर बाय टैन एक्स को आप साइन एक्स बाय कॉस एक्स अगर लिख लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर कॉस एक्स चला जाएगा, राइट? यस सर। अब एनालिसिस क्या है, एक्स बाय साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन से बड़ा है क्या छोटा है? साइन एक्स बाय एक्स वन से छोटा है, सो एक्स बाय साइन एक्स वन से बड़ा है, सो एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर भी वन से बड़ा होगा, राइट? यस सर। ये वन से थोड़ा सा छोटा सा, वन से थोड़ा सा बड़ा है, राइट? इसके बाद कहीं नंबर आ सकते हैं। एंड कॉस एक्स क्या है, एज एक्सटेंड्स टू जीरो वन, वन है क्या या वन से छोटा है? एक्सटेंड्स टू जीरो, यहां भी x जीरो नहीं है, x इज टेंडिंग टू जीरो, सो x एग्जैक्टली जीरो पे cos वन होगा, टेंडिंग टू जीरो में वन से छोटा होगा या बड़ा होगा? वन से छोटा होगा ना, थोड़ा सा छोटा होगा, सो इसका मतलब ये 0.9999999 जैसा कुछ नंबर होगा, राइट? अब दिक्कत यह है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर वन से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा। अगर आपका आंसर आप बोलते हैं मैं बोल नहीं सकता हूं, देन यू आर थिंकिंग, अगर आप छोटा बोल दिया तो इसका मतलब आप सोच नहीं रहे, क्योंकि एक नंबर वन से थोड़ा सा बड़ा है, एक नंबर वन से थोड़ा सा छोटा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो वन से बड़ा भी आ सकता है या छोटा भी आ सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिगर और हाउ स्मॉलर इट इज, सही कि नहीं? ये दोनों, ये वन से जितना बड़ा है वैसे जरूरत नहीं ना ये वन से उतना ही छोटा है, समझ में आ रहा कि नहीं? सो यहाँ आपका मतलब ऐसा सोचना है कि ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, वन से बड़ा आएगा या वन से छोटा आएगा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग इज दिस और हाउ स्मॉल इज दिस फ्रॉम वन, राइट? तो यही इस क्वेश्चन में आपको सोचने के लिए है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक कुछ और तरीका लगा के, मतलब बेसिकली इसमें आप जस्ट फाइंड करना है कि ये नंबर वन से छोटा होगा या बड़ा होगा, क्योंकि x by sin x into x by tan x है ना, तो ये भी वन के पास जाते हैं, ये भी वन के पास जाते हैं, एक वन से थोड़ा सा बड़ा है, एक वन से थोड़ा सा छोटा है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद एफेक्टिवली नंबर वन से बड़ा आएगा या छोटा आएगा वो आपको एनालाइज करना है। इस रास्ते से आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो द लॉजिक इज आप सम अदर वे, कुछ और तरीके से सोचने के लिए कोशिश करना है। ओके सो कैसे आप सोचेगा वो आप आपका एप्लीकेशन है, अगर समझ में आया तो अच्छा है नेक्स्ट क्लास तक, नहीं तो मैं करके दिखाऊंगा, बट आपके पास जो थ्योरी है उसी में कुछ ना कुछ थ्योरी यूज करके इसका सॉल्यूशन होगा। सो वो कैसे सॉल्व करिएगा आप देख लीजिए। ओके लेट अस स्टॉप हियर। ओके बेटा अच्छा लग रहा है लिमिट्स का चैप्टर? हाँ सर। देखिए दिस इज वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग, सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये आपका जो भी मैं बोल रहा हूँ दिस इज नॉट योर बोर्ड सिलेबस, बोर्ड में ये सारा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बोर्ड में बहुत इजी क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है? बट आप सोचने के लिए दिस कैन बी क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक, सो टुमारो विल लुक एट हाउ टू डू दिस। तो आप अपना बुक सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। ओके सो लेट अस स्टॉप हियर। ओके बेटा गुड बाय सबको।
थैंक यू सर ओके बेटा गुड बाय